छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं? मैं कहूंगा, मैं स्वतंत्र आवाज हूँ, बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य निष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण राखब, आओर जाहि पद पर हम बैसे वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। आप बहुत ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। राजेश रंजन जी, अध्यक्ष जी, ओके, माननीय सदस्य नहीं, आपका कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से बालाशोरी जी प्लीज। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूँगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं, और मजबूत नेतृत्व के साथ या जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं? मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।